हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा लॉ सक्सेस मिरर। दोस्तों, जैसा कि अभी तक मैं आपको लॉ सीरीज़ के बारे में बता रही थी, लीगल चीज़ें आपको बता रही थी, आज मैं आपको करंट से रिलेटेड चीज़ें भी शुरू कर रही हूँ धीरे धीरे। तो इसमें इस समय चर्चा में है माउंट शिनाबुक ज्वालामुखी, ये चर्चा में है, तो इसके बारे में मैं आप बताऊंगी। तो जानते हैं कि माउंट शिनाबुक ज्वालामुखी ये कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया में है। अब जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में माउंट शिनाबुक में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। माउंट शिनाबुक इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत में स्थित है। इस वर्ष मार्च में भी इस ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, जिससे आकाश में गर्म राख के बादल छा गए थे। इस ज्वालामुखी का विस्फोट अगस्त 2020 में हुआ था। आपको बता दें कि लगभग 400 वर्षों तक यह ज्वालामुखी निष्क्रिय रहा था। अब जानेंगे माउंट शिनाबुक के बारे में कि ये माउंट शिनाबुक क्या है, कहाँ है, क्या कैसे, इसके बारे में जानेंगे। तो इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर या कहें सरकम पैसिफिक बेल्ट में स्थित होने के कारण कई सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है। रिंग ऑफ फायर प्रांत महासागर से लगा क्षेत्र है, जो सक्रिय ज्वालामुखियों और नियमित भूकंपों के लिए जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर दुनिया के लगभग 75% ज्वालामुखियों का घर है और यहाँ लगभग 90% भूकंप आते हैं। माउंट शिनाबुक ज्वालामुखी 2010 से सक्रिय है। इस ज्वालामुखी में विस्फोट का दौर सितंबर 2013 में शुरू हुआ और जून 2018 तक निर्बाध रूप से जारी रहा। 2014 में इस ज्वालामुखी के विस्फोट से 16 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए। तो आप जानते हैं कि कैसे होता है ज्वालामुखी, इसके बारे में भी जानेंगे। तो पृथ्वी के मेटल के पिघलने से मैग्मा बनता है और सतह पर आता है। मैग्मा तरल पदार्थ होता है, जिसके कारण ज्वालामुखी विस्फोट होता है। मैग्मा चट्टान की तुलना में हल्का होता है, इसलिए यह वेंट्स और फिसेसिस के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर आने में सक्षम होता है। विस्फोट के बाद सतह पर फैले मैग्मा को लावा कहते हैं। अच्छा, मुख्य रूप से जो ज्वालामुखी होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। तो पहले होता है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा मृत ज्वालामुखी। तो जानते हैं सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। तो सक्रिय ज्वालामुखी वे हैं जिनमें जिनसे समय समय पर विस्फोट होता रहता है, अर्थात जिसमें लावा, गैस, वाष्प इत्यादि निकलता रहता है। दूसरा सुसुप्त ज्वालामुखी के बारे में। सुसुप्त ज्वालामुखी वे हैं जो वर्षों से शांत रहते हैं, पर उनके सक्रिय या जागृत होने की संभावना रहती है। ऐसे ज्वालामुखी बड़े खतरनाक साबित होते हैं। और तीसरा है मृत ज्वालामुखी। तो मृत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी हैं जो लंबे समय से शांत और इनका विस्फोट एकदम बंद हो गया है। तो दोस्तों, ये था ज्वालामुखी के बारे में और मैंने आपको माउंट शिनाबुक ज्वालामुखी के बारे में बताया। तो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।